तो आप सभी का बीइंग द स्पिरिट सोल चैनल पर स्वागत है। तो आज हम लोग श्रीपाद मध्वाचार्य को ट्रिब्यूट देंगे, तो ये बहुत स्पेशल वीडियो है। वैसे ट्रिब्यूट देने का मैं बहुत सारा तरीका सोच रहा था कैसे हो सकता है, पर मुझे जो तरीका लगा जो मैं आज प्रस्तुत करूँगा, मैं सोचता हूँ वो सबसे अच्छा तरीका है। क्योंकि जैसे देखिए, मैंने पास्ट में एक वीडियो बनाया था श्रीधर स्वामी के ऊपर, तो ये जो एक बिलीव सिस्टम है श्रीधर स्वामी को लेके कि वो अद्वैतवादी है, ये है वो है, तो ये मिथ था, उसको तोड़ा गया था कि कैसे हमारे संप्रदाय, कैसे मध्वाचार्य की संप्रदाय ये बिलीव करती है, ये बिलीव रखती है या बिलीव सिस्टम इसलिए है क्योंकि श्रीधर स्वामी की जो किताबें हैं वो द्वैतवाद को सपोर्ट करती है, वो अद्वैत को सपोर्ट नहीं करती है। तो ऐसा बहुत बार होता है कि बहुत सारे अद्वैत वाले चैनल वीडियो बनाते रहते हैं कि इस्कॉन बहुत, इस्कॉन का जो फिलॉसफी है गलत है, द्वैत मध्वाचार्य की जो फिलॉसफी है वो गलत है। तो इसका आज हम अच्छे से खंडन करेंगे और यही खंडन एक ट्रिब्यूट होगा मध्वाचार्य को, क्योंकि मध्वाचार्य को ऐसे ही ट्रिब्यूट हम दे सकते हैं। तो चलिए हम आगे देखते हैं। पंचभंगी न्याय जो हम आपको बताना चाहते हैं कि जो इतिहास में द्वैतवाद और अद्वैतवाद के बीच बहुत सारे डिबेट हुई है, तो आज का जो इन्फॉर्मेशन है उसको जान लेने के बाद आपको कभी भी अद्वैतवादियों से बहस करने की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। क्योंकि सबसे पहले ये जो डिबेट का जो ये जो श्रृंखला है ये अभी से नहीं, बहुत पुराना है। तो सबसे पहले व्यास राय ने किताब लिखी थी न्यायमृता, जो एक हमारे गुरु परंपरा में व्यास राय आते हैं, तो उन्होंने श्रीपाद व्यास राय जी ने न्यायमृत किताब लिखी थी। वो किताब ने तहलका मचा दिया था इतिहास में, पूरा खंडन कर दिया था अद्वैतवाद का। फिर उसको जैसे तैसे मधुसूदन सरस्वती ने 50 साल बाद अद्वैत सिद्धि लिखकर, 50 साल तक उस बुक का कोई जवाब नहीं था, उस किताब का 50 साल बाद मधुसूदन सरस्वती ने जवाब दिया अद्वैत सिद्धि लिखकर। अब वो अद्वैत सिद्धि मधुसूदन सरस्वती इतना डर चुके थे कि वो चाहते थे कि इस बुक को कोई पढ़े नहीं, कोई पढ़े नहीं, क्योंकि उनको पता था कि ये जो जवाब उन्होंने दिया है वो कंप्लीट नहीं है, उसका कोई भी मध्वा संप्रदाय का कोई भी सन्यासी इसको बहुत उड़ा सकता था, उनको ये पता था। फिर भी एक चालाकी राम तीर्थ जी ने की थी। चालाकी क्या मतलब, अब जैसे को तैसा देना पड़ता। अब मधुसूदन सरस्वती अब अद्वैत सिद्धि को बाहर निकाल नहीं रहे थे, किसी को दे नहीं रहे थे, तो राम तीर्थ जी ने क्या किया, उनका स्टूडेंट बन के गए मधुआ कैंप से, उन्होंने पढ़ा अद्वैत सिद्धि मधुसूदन सरस्वती से और उसका तत्कालिक खंडन कर दिया तारांगिनी लिखकर। मतलब जैसे ही उनको ज्ञात हो गया पूरा अद्वैत सिद्धि, पूरा उनको नॉलेज आ गया, उसका वहीं पर खंडन कर दिया रामतीर्थ ने, और वो उनके स्टूडेंट बन के गए थे। तो मधुसूदन सरस्वती को चेकमेट मिल गया था एक तरह से। फिर क्या हुआ, रामतीर्थ जी की जो किताब थी तारांगिनी, उसका उसको काउंटर किया ब्रह्मचारी जी के बुक, ब्रह्मचारी अब अद्वैत वालों के तरफ से थे, ब्रह्मन संध्या करके किताब लिखकर। अब जब जब तारांगिनी का खंडन हुआ तो उसके बाद मध्वा संप्रदाय से थे पानमाला मिश्र, इन्होंने 5 किताब लिखी पंचभांगी, और वो पंचभांगी लिख के और उन्होंने कम्प्लीटली निगेट कर दिया ऑल फॉर्म्स ऑफ मायावादिज्म। मतलब पंचभांगी लिखने के बाद आज तक इस 5 किताब का कोई जवाब नहीं आया है अद्वैत कैप से। ये किताब एक तरह से एक स्तंभ बन गया है हमारे जीत का, और ये सारी किताब आपको मैसूर स्टेट लाइब्रेरी में मिल जाएगी। जो ये पूरा वेल प्रिजर्व रखा गया है कि ये एक तरह से स्तंभ है हमारे जीत का। इसलिए बहुत बार क्या होता है कि कभी कभी अद्वैत वाले जो वीडियो बनाते हैं तो गुस्सा आता है,
सोचते जवाब दे, फिर सोचते यार ये लोग जवाब देने लायक है ही नहीं। जब इनके आचार्य ही नहीं जवाब दे पा रहे हैं तो ये क्या करेंगे, उनका बच्चों वाला सवाल आता है। जैसे मैंने श्रीधर स्वामी के वीडियो में बताया था बच्चों वाला सवाल, अब जवाब भी जो आया वो बच्चों वाला जवाब था। तो बच्चों वाला जवाब, बच्चों वाला वीडियो उनका किसी का भी रहता है, इतिहास रहा है अद्वैत वालों का। न्यू अद्वैतियन से तो बहस करना बेकार ही है, ऐसे भी अद्वैत वालों से बहस करना बेकार है। उनका पूरा बिलीफ सिस्टम का खंडन कर दिया था मधवा वालों ने, और ये हमारे लिए टेस्टमेंट है एक तरह से। हमारे लिए हमें इस पे गर्व करना चाहिए कि हमारे आचार्यों ने ऐसी जीत हासिल की। इसलिए हमें बहस नहीं करना चाहिए ज़्यादा, मतलब देख लो, लेवल देख लेना चाहिए कि क्या है। अगर पता चले कि वही न्यू अद्वैतियन वाला सवाल जवाब है तो फिर बहस करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना भजन करिए और आराम से रहिए। तो ये हम बताना चाहते थे आप लोग को। मैं होप करता हूँ कि आप लोग को ये इन्फॉर्मेशन, अगर नहीं पता था तो मालूम चल के अच्छा लगेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसे पढ़िए, इसको याद करिए कि ऐसा इतिहास, गोल्डन इतिहास रहा है। फिर आपसे आगे मिलते, तब तक के लिए हरे कृष्णा।